Hi guys, welcome back to my channel. After a long time I am filming this video because I was severely ill and मेरा medication चल रहा था. अभी मैं हाल फिलहाल ही ठीक हुई हूँ, तो अभी मैं अभी फिर से YouTube में back हुई हूँ. And दो हफ्ते से मैंने video upload नहीं किया था, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ. And उस thank you भी कहना है आपसे, thank you so much, क्योंकि आपने मेरे जो hostel days का जो web series का review के video को and damage 2 जो कि पिछला video था, damage 2 का जो web series का review, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसको ज़्यादा देखा, ज़्यादा शेयर किया, ज़्यादा लाइक किया, इसके लिए थैंक यू सो मच. एंड हाँ, इसी को देखते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे मतलब YouTube में इतने अच्छे मतलब ऐसे फुल्ली डेडिकेटेड चैनल नहीं है जो कि खाली इंडियन वेब सीरीज़ को ही रिव्यू कर सके. तो मैंने इससे डिसाइड किया है कि वेब सीरीज़ का मतलब इंडियन वेब सीरीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली मैं ये चैनल बना दूँ. तो मेरा चैनल नेम चेंज हो चुका है मेरे नेम से इंडियन वेब सीरीज़ रिव्यू. सो अगर आपको अगर कोई भी न्यू वेब सीरीज़ रिलीज़ होती है या मतलब सबका रिव्यू आपको इसमें मिल जाएगा एंड आपको क्या देखनी चाहिए क्या नहीं, फुल फ्लज स्पॉइलर प्रूफ वेब सीरीज़ के रिव्यू मिल जाएंगे इस चैनल में. सो ये फुल्ली फ्लजेड, सो फुल फ्लज ये चैनल अभी डेडिकेटेड हो गया है वेब सीरीज़ को. एंड ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज़ कभी कभी अगर मुझे कोई एक आध ट्रेलर या तो कोई सॉन्ग अगर पसंद आ भी जाए तो मैं ऐसे कर दूंगी वीडियो. सो अगर आपको पसंद हो मतलब अगर आपको ये अच्छा लग गया मेरे इनिशिएटिव, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर न्यू है तो. एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको. एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद. सो आज शुरू करते हैं आज वीडियो. तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ कोड एम, जो कि एल्ट बालाजी का वेब सीरीज़ है. 10 दिन पहले ही ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुका है. एंड मैंने अभी देख ली है, मैं तबीयत ख़राब था तो मैं अभी लेट रिव्यू कर रही हूँ. सो इसमें मेन लीड में है जेनिफर विंगेट, तनुज वीरवानी एंड रजत कपूर. सो स्टोरी की बात कर ली जाए, स्टोरी इतनी सी है कि एक जवान है जो कि शहीद हो जाता है मतलब एनकाउंटर के टाइम. सो ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, कितने लोग कहते हैं मतलब वहाँ के लोकल के इलाके कितने लोग बोलते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी एंड जिसका एनकाउंटर जो शहीद लोग जवान लोग करने जा रहे थे वो लोग इनोसेंट थे. एंड जवान को भी कितने लोग बोलते हैं कि उसे कोई मार दिया, मतलब इट इज़ ए प्री प्लान मर्डर. सो क्या है ये केस एंड ये केस को मतलब ये केस बन जाता है तो रजत कपूर जो है वो हेड प्ले कर रहे हैं मिलिट्री के. तो वो चाहते हैं कि मेजर मोनिका मेहरा जो कि जेनिफर विंगेट प्ले कर रही हैं रोल, उन्हीं के हाथों ये केस दे दिए और वो ये केस उनको दे देते हैं और बोलते हैं कि उन्हें सॉल्व करने के लिए. एंड जब ये सॉल्व करने जाती है तब देखती है कि जितना ओपन एंड शट केस मतलब जो बोलते हैं ना कि इतना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, क्यों मतलब ये मर्डर है या क्या है. जैसे बोलते हैं ना प्याज के जैसे परत एक काटने जाओ तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर निकल जाते हैं, वैसे ही स्टोरी बहुत लेयर वाला है. एंड कैसा ये स्टोरी मतलब लास्ट में एंड में जब जाएगा आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. सो वही ये स्टोरी है. सो बात कर लेते हैं डायरेक्शन की. सो डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो अक्षय चौबे ने डायरेक्ट किया है एंड डायरेक्शन बहुत क्रिस्प है, एडज है थ्रिलर. जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये वेब सीरीज़ थ्रिलर है मतलब एडज ऑफ दिस सीट वाला, तो बहुत अच्छा है. मतलब मैं हैरान हूँ कि आजकल के मूवीज़ इतनी अच्छी थ्रिलर मूवी नहीं बन रही, लेकिन आजकल के वेब सीरीज़ मतलब इंडिया के वेब सीरीज़ ओवर द टॉप कंटेंट भले ही हो लेकिन उसके इतने अच्छे अच्छे स्टोरी लाइन्स, इतने अच्छे अच्छे क्रिस्प एडिटिंग होता है. मुझे देख के ताजुब मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि नहीं मैंने इतनी अच्छी वेब सीरीज़ देख ली या इतनी अच्छी ये देख ली. और मैंने इतने मतलब जब मैंने कोड एम देखा ना तब मैंने सोचा कि पिछले मतलब इतने अच्छे वेब सीरीज़ थ्रिलर सीरीज़ मैंने नहीं देखा था अब तक सीरीज ऑनेस्टली स्पीकिंग. क्योंकि इसके एडिटिंग भी बहुत मुझे अच्छे लगे, विजुअल भी बहुत अच्छे हैं, शूटिंग लोकेशंस तो बहुत रियल, सारे के सारे तो बैकड्रॉप राजस्थानी दिखाया गया है एंड उसी में रियल लोकेशन में शूट किया है तो बहुत अच्छा है. एंड उसके और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छा है. तनुज वीरवानी हो गया एंड रजत कपूर, वो दोनों तो बहुत अच्छा है. सीमा विश्वास सिर्फ सपोर्टिंग कास्ट थोड़े समय के लिए ही है स्पेशल अपीयरेंस में, वही बिगेस्ट ड्रॉबैक है इस वेब सीरीज़ का, अदरवाइज बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है. एंड
जेनिफर विंगेट को मतलब उनका स्पेशल मेंशन करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा एक्टिंग की है, लेकिन उनको कम्पीट मतलब आप जब देखेंगे वेब सीरीज तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि रजत कपूर ने इनको स्ट्रांग कंपटीशन दिया है, क्योंकि रजत कपूर आपने देखा ही होगा उनको फिल्मों में या वेब सीरीज में कितना अच्छा एक्टिंग करता है, उम्दा एक्टर हैं वो, लेकिन उस उनके टक्कर में भी जेनिफर विंगेट ने इतना अच्छा काम किया है। उनका तो वन मैन आर्मी जो बोलते हैं ना इस वेब सीरीज में, वही मेन लीड है। कैसा एक लेडी सोल्जर अच्छा मतलब इस मतलब केस को सॉल्व करती है, कैसा है वो पॉजिटिवली मतलब कितनी ईमानदार है, ये सब देख के आपको बहुत खुशी होगी। एंड उनके एक्टिंग ही उनकी एक्टिंग उनके बॉडी लैंग्वेज ऐसा लगता ही नहीं कि आप जेनिफर विंगेट को देख रहे हो, ऐसा लगता है सच में मेजर मोनिका को ही देख रहे हो अगर आप उनका नाम नहीं जानते तो। सो आपको ये वेब सीरीज़ क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक थ्रिलर है तो शार्प एज मतलब एड्ज ऑफ द सीट ड्रामा काइंड ऑफ है, एंड ऐसे टाइप के वेब सीरीज़ बनते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूडिटी ये सबको प्रमोट करते हैं, लेकिन ये ऐसे ऐसे वेब सीरीज़ के मतलब होना चाहिए जिससे कि मतलब आप देखोगे तो मतलब दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना होता है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे ये ऐसा रीज़न हो सकता है, एंड लास्ट में बहुत अच्छा मैसेज भी है, तो उसके वजह से भी आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ये वेब सीरीज़ आपको रिकमेंड करती हूँ या नहीं, यस डेफिनेटली आप जाइए वेब सीरीज़ देखिए, एंड बहुत पॉजिटिव फीडबैक भी आए हैं जेनिफर विंगेट को, सो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ पूरे टीम को, क्योंकि पूरे टीम ने ही सपोर्टिंग कास्ट इतनी अच्छी है, सो उसका भी श्रेय देना चाहिए, एंड मेन लीड तो मतलब जेनिफर विंगेट तो बहुत अच्छा एक्टिंग की भी है। सो आप जाइए देखिए वेब सीरीज़ अल्ट बालाजी में है, एंड 8 एपिसोड है, एंड 2 घंटे अगर आप दोगे, 2 घंटे नहीं 3 घंटे अगर दोगे तो आप पूरा एक मतलब 3 घंटे में ही आप कंप्लीट कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मैं नेक्स्ट वीक से हमेशा रेगुलर आया करूँगी, प्रॉमिस है आपको। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।